भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरा गला भी ठीक होने लगे। दिन में टेस्ट कर लिया जो परिचय प्रोग्राम था, माइक ने साथ दे दिया मेरे को, तो जाएगी गलत आवाज ज्यादा निकली नहीं, बट ये की फिर भी समझ डाल दिया। एक तो गला सही होने लगे क्योंकि इलेक्शन का समय नजदीक आने लग गया। 8 तारीख में मेरे को जो अपने गांव विक्रम में आने का जो मेरे को सौभाग्य जो मुझे मिला, मेरी जो युवा शक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग और पश्चिम मेरी माँ भी खड़ी हुई है, मैं हाथ जोड़ करके आपको मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे यहाँ आने दिया और फिर से अपने विचार रखने का मौका दिया, आपके बीच में आने का और आशीर्वाद फिर से देने का जो मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आने का जो मौका दिया और मैंने को आपको साची बात बताऊं, सवेरे मैंने प्रोग्राम फिक्स करे की एक गांव में मैंने कम से कम 10 चाय कर ली है। अरे कहते हुए मेरे को बड़ा गर्व भी हो रहा है, 10 के 20 चाय तो गोबर की है और 3 प्रोग्राम खाने हो गए हैं और कंफ्यूजन हो रही। मैंने तो आना था 1.5 घंटे पहले, 2 बजे आना था, लेकिन फिर मेरे तक भाई सामने आ जाइयो, सामने फिर राम राय में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। राम राय तो सीधा मैं आ रहा था, मतलब नहीं होनी मेरा जी 3 प्रोग्राम कर, मैं सोचा कि एक ही प्रोग्राम है, मेरे को फोन आ लिया कि भाई साहब अभी 1.5 घंटे बाद में आपने आना है, तब आप भाई साहब वहाँ जो अदला बदली के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, मैं पूरा नवाब आप पे निशावर है, बाकी का देखो सीधी सी साफ सुथरी में बात करूं, जुलाना विधानसभा में तैयारी बैठी है ठीक है, और हमारे लिए 6 दिन बाकी है, दिन हो या रात हो तो मैं एक कर दूंगा और भाई साहब पूरा साथ दे देना। और तो सवेरे सामने सो जाए चलते स्थान के 8-9 बजे खाना खा के और आपस होते हैं सवेरे रात के 3 बजे, और 3 बजे बड़ा शुरू है क्योंकि मेरे जिंदगी का पहला इलेक्शन है। ठीक है, 5 तारीख जो अगले महीने आ रही है 5 तारीख, और तीसरे नंबर पे आपका चहेता कमल के फूल का निशान है, और जैसे मेरे भाई ने बोला तीसरा ही नवरात्रा है, और तीसरी बार आपने मोदी बढ़ाया है, और तीसरी बार मोदी जी ने हरियाणा के लिए बोल दिया कि तीसरी बार कमल का फूल करना है, सारी जगह 3-3 करके हारे हैं, तो कोई कमल कसर छोड़ दो, वो तीसरे नंबर पे जो कमल का फूल का जो बटन का जो निशान है उसको खिला रहे होंगे, कसर छोड़ दो। सुनी थी एक मेरा दाऊ थोड़ा सा जो की परेशान हो गया मेरी बात करना शुरू कर गई, वही वो कहे कि भाई झूठ बोला, मैंने फिर जवाब दिया कि भाई मेरी पुरानी 10 मिनट तक बोली तो उन्होंने टाइम कि अपना आप दिख जाएगा, और ज्यादा ही थोड़ा सा और दिलचस्पी लेनी है तो भाई वीजा हुआ करे ना, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुआ करे कि नहीं हुआ करे, होता है ना, तो धारा बेटा धारा भाई 22 दिन में महिलाओं की कोरोना के टाइम के अंदर क्वारंटीन वाली से जेल हुआ था, वो काट के दिया लिया, लेकिन कोरोना के टाइम में मैं फंस नहीं गया हूँ चाइना के अंदर, मेरे पास में बतेरे ऐसे प्रूफ है कि जहाँ मैंने सेवा दी है कोई मेरे से यूँ कहेगी यूँ बता रहा है, मेरे पास में जवाब है देने के लिए, और मैं भिड़ भी जाता हूँ क्योंकि मैं वो अपने देखो कर्म से और मन से बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, जो बात मैं कह देता हूँ कई बार मेरे को ये लगता है कि राजनीति में नहीं कह दीजिए, फिर भी मैं नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ भाई जैसा हो तो मैं हूँ। एक बात कर लेते हैं अपने इलेक्शन की, इलेक्शन भी मैं यह कह लेता हूँ कि मेरे ऊपर 36 बिरादरी का परिवार का आशीर्वाद है,
ना कि कोई व्यक्ति विशेष का है, ना कोई पर्टिकुलर गिफ्ट का, सबके दया में आशीर्वाद है। और यहाँ मैं सबके बीच में यह कह देता हूँ, खुले मंच पे कह देता हूँ, एक काम भी रस के छत्तीसगढ़ी के साथ में मिलकर के आगे करूंगा। इसी के बीच में ना तो कभी कोई दुआ धोने दूंगा, ना कभी किसी को दबने दूंगा। जो कुछ जो भी सोचते हैं ना कि हम दबा देंगे, अरे तो मैं एक बार कमल का फूल खिला दो, मैं बता दे दू कौन किसको दबाएगा। भाई छुट्टी मान लेना अपनी, तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिया। दूसरी बात है, जो नीचे के लेवल की राजनीति करते थे तो मेरे को करनी आती नहीं है। एक चीज आती है कि अपने छत्तीस बरादरी के समाज के कल्याण के लिए, अरे जो भी काम मैंने करना पड़ेगा, चाहे उनके तरने के लेवल के नीचे के ना उनकी पढ़ाई करनी पड़े, नीचे ले जाऊंगा, लेकिन काम नहीं रोकने दूंगा। ये सबकी बात पर जब दिमाग यूज करना होता है, जब दिमाग यूज करूंगा जो काम नहीं करने देगा, तो इतना गड्ढा खोद दूंगा नीचे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां समा गया है। बतेरे जो कहे कि भाई वो पैराशूट है, आज बड़ोली जी ने एक बात जरूर दी है कि कुछ तो है धरातल पे जो कि पहलवान है, आप हवा के पहलवान है, बहुत अच्छी तरीके से आते जो बात करे हैं, आसमान की तरफ क्यों देखा करे, आसमान की तरफ बुलंदियों की तरफ देखते हैं ना कि कुछ हमें इस पे रख दो। हेलो, सारे ऊपर की तरफ देखते हैं ना, ऊपर की तरफ लगाते हैं आसमान की तरफ, और उसके पीछे कारण है कि सारे के सारे बुलंदियों की ऊंचाई छूना चाहते हैं, और बुलंदियों की आवाज छूने के लिए जो भी मैंने काम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, जिस भी दरवाजे पे जाना पड़ेगा उस दरवाजे में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपने पूरे चलाना विधानसभा को जहां लेकर के जाना होगा ना, उन्नति की जो ऊंचाई है कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और अगले 5 साल के अंदर आपको करके भी दिखा दूंगा कि हाँ आपके बीच में कोई वाकई में ही सेवादार आया। एक एक कमल के फूल के वोट का जो देंगे वह भी, जो नहीं भी देंगे किसी कारणवश 2-4-5% उनके भी, सबके काम बिल्कुल दिल से दिमाग से, और परिवार के जैसे एक नाता होता है परिवार की तरह काम करूंगा। और आपने न्यू भी मेरा भी बंटवा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से कि इब तलक जो यहाँ भाजपा की जो सरकार नहीं बनी, कमल का फूल नहीं खिला है, जिन्होंने 70 साल से जो काम करते आ रहे हैं उनके काम एक तरफा, और आने वाले 5 साल एक तरफा खड़ा कर दूंगा। बहुत से नेता ऐसे हैं आपके बीच में, कोई किस तरीके से रोने आम है, कोई किस तरीके से, कोई ठगबंधन वाले आते, कोई गठबंधन वाले आते हैं, कोई बदले की भावना से आते हैं, कोई पेपर लेकर के आ जाते हैं, आते हैं ना आप में लेके आए कोई चीज। भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर दिल से जुड़ जाए तो उन्हें कोई प्रूफ दिखाने के बदले की भावना की जरूरत पड़े। अगर दिल से जुड़ के एक परिवार होता है ना, तो परिवार का रिश्ता किससे जुड़ता है, दिल से जुड़ता है ना। एक घर में 5 भाई बहन है जो भी है, तो वो कोई दिमाग से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं ना। जब दिल से जुड़ते हैं उनके सुख दुख के साथी बनते हैं, और कोई दूसरा तीसरा होता है वह दिमाग से जुड़ते हैं कि वो हमारे फायदा कैसे उठाए, यही हुआ करे है ना। तो मैं भी यही कहता हूँ कि मैं आपके बीच में दिल से जुड़ने आया हूँ,
दिल से काम करने आया हूँ। एक बार सेवा का मौका आप दे करके देखो, अपने इस भाई का, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दे करके देखो। अगले 5 साल आपको वाकई में काम करके दिखाऊंगा। आपका जो है कि राजनीति का जो समीकरण है उसको जो है कि काम की नीति में बदलाव लेकर के आ जाऊंगा। सिर्फ एक बार मौका दे करके देखो। 90 में से 91 विधानसभा जुलाना ऐसी है कि जो आज सबसे मजबूत है। आज तारीख 30 नंबर का निशान है कमल का फूल, उसने इतना दबा देना कि बटन जो है ना नीले रंग का उसका रंग बदल देना, बाकी के जो जितने भी बटन हैं उनको एजिटेट न्यू की न्यू छोड़ देना, उनको कहना कि तरोताजा छोड़ देना, लेकिन 30 नंबर का रंग ढंग जो बदलना वो बदल देना और कमल का फूल खड़े खड़े खिला देना। खिला दोगे पक्की बात है। आज तो जो है कि मैंने बडोली जी को भी बोल दिया कि हाँ कमल का फूल खिल गया है जुलाना में, मेरी बात गिरने तो नहीं दोगे, आश्वासन देते हो इस बात का। 5 तारीख 30 नंबर का निशान कमल का फूल आपका अपना है और इसने इतनी मजबूती से खिला देना, मैं यह बता दें 5 साल अगले 50 साल के बराबर हो जाएंगे। आप अगर मेरी बात से सहमत है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मेरे को दोनों हाथ पे खड़े करके संकल्प की मुट्ठी बांध के और आशीर्वाद दे दो। भारत माता की जय, माता की जय, जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 माता की जय, जय बाबा नागर की, नागर की, हरे हरे महादेव।